सो गाइस, मम्मी पापा स्कूल से आ गए थे और छोटू के साथ खेल रहे हैं। छोटू तो हमारा नंगा। अब बताओ मम्मी, रात को क्या करता है ये? ये रात को सारी रात जागता है, 10-10:30 बजे उठता है और सुबह 4 बजे तक खेलता है। अरे कल तो खेल नहीं रहा था, कल तो रो रहा था, री 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 री। तो 1 घंटा गोदी में लेके बैठी रही, जैसे ही नीचे लेटाया वैसे ही ऐसा करता है। तंग करने लग गया, अभी बड़ी परेशान है, तंग करता है, गंदा बच्चा हो रहा है अब। चलो आती हूँ, चाय पानी दे दें। अब घर में ना जब बच्चा होता है तो कितना अच्छा लगता है ना, बाहर से कोई आता है थका हारा और बच्चा होता है तो उसके साथ ऐसे रिफ्रेशमेंट मिल जाती है एकदम से। और पता क्या है, मेरी वीडियोस पे ना ऐसे व्यूज़ कम आते हैं, है ना, क्योंकि मैं नेगेटिव चीज़ें नहीं डालती हूँ। पर मुझे ना खुशी मिलती है, कम व्यूज़ आते हैं बट मैं पॉजिटिव चीज़ दिखा के व्यूज़ लूँ ना, मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो अभी बनाती हूँ मैं चाय। सो दुनिया ना चाहे कुछ भी कहे, कुछ भी हमारे खिलाफ बोलती रहे, कुछ भी करती रहे, है ना, व्यूज़ कम आ रहे हैं तो कोई बात नहीं, बट चटपटे टाइटल डाल के जो घर में एक्चुअल चीज़ हो भी नहीं रही है, लड़ाई झगड़ा नहीं भी हो रहा है, फालतू में मैं लड़ाई झगड़ा दिखाऊँ, है ना, इससे व्यूज़ लूँ, मुझे पता नहीं, वो हजम नहीं आती वो चीज़। तो मैं चाहती हूँ कि मेरी वीडियोज़ देख के ना कि कोई अपने घर में क्लेश ना डाले, जैसे हम कई बार, है ना, यूट्यूबर हैं हम, इन्फ्लुएंसर भी हैं हम, इन्फ्लुएंस करते हैं लोगों को, मोटिवेट करते हैं, है ना, अगर हम गलत चीज़ करेंगे तो हमारी वीडियो देख के उसी क्या बोलते हैं, मैं अपनी वीडियो के थ्रू उकसाना नहीं चाहती किसी को गलत करने के लिए। अब मैं कहूँ कि हाँ मेरे साथ ऐसा हुआ वैसा हुआ, मैंने बदले में ये जवाब दे दिया, तो मेरी वीडियो देख के कल को कोई और भी वैसा ही करेगा, है ना। बट मैं चाहती हूँ मैं पॉजिटिविटी दिखाऊँ, ताकि अगर किसी के घर में वाकई में दुख तकलीफ है, वो मेरी वीडियो देख के उसको पॉजिटिविटी मिले, उसको अच्छा लगे, मतलब मेरे व्यूअर्स को, तो पॉजिटिविटी वो अपने घर में भी वही पॉजिटिविटी फैलाए। तो ये चीज़ें सोच के ना मैं हमेशा पॉजिटिव वीडियो बनाने की कोशिश करती हूँ, मैं कभी नेगेटिव चीज़ नहीं दिखाना चाहती हूँ। इमोशंस होते हैं, कई बार इमोशंस हम पे हावी हो जाते हैं कि हम किसी और के सामने रोना भी चाहते हैं, कभी किसी और के सामने अपना दुख शेयर भी करना चाहते हैं, बट कुछ लोग तो इतने कनिंग होते हैं ना, वो हमारे इमोशंस का भी मजाक बना देते हैं कि दिखावा है, ये है वो है। कई बार मन करता है, सबका ही मन करता है कि किसी के साथ बात शेयर करें। अब घर में हम मतलब मैं नहीं चाहती कि मैं घर में किसी के सामने रोऊं, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मुझे रोता हुआ देख के मेरे घर वाले भी दुखी हो जाए, है ना, तो इस वजह से मैं अपने घर वालों के सामने नहीं रोती हूँ कभी भी। तो ये बन रही है चाय। अब कुछ लोग बोलेंगे अब दूध कितना ज़्यादा डालते हो, है ना, तो मुझे ना ज़्यादा दूध वाली चाय पसंद है, मुझे मतलब कुछ लोगों को पसंद होती है पूरी कड़क चाय, बट मुझे ज़्यादा दूध वाली, और मेरे हस्बैंड को भी ज़्यादा दूध वाली चाय पसंद है। क्या हुआ नंगलू? ओ नंगलू, देखो हमेशा नंगलू नंगलू फ्लाई फ्लाई कर रहा था, क्या दूध निकाल दिया? इसके चुच्चू तो मैंने करवा दिया था वैसे। ओए नमरू नमरू, ओए दमरू, अभी तो खेल रहा था मेरे पास, गोदी में ले वैसे ना, तो हाँ इसकी गैस बन रही है आज, मैं इसको दवाई सी देती हूँ वो गैस वाली। ओए चिकू कहाँ जाओगे? देखो देखो कर, देखो कहाँ जाओगे? सामने छामने छुमने कुछ नहीं देखता ये। वो चाय उबल गई है, बिना मीठे वाली चाय देके आऊंगी पहले पापा को, क्योंकि पापा को है शुगर और साथ में हाई बीपी भी है, वैसे बहुत चाय पीते हैं, बट अभी चलो मम्मी के साथ चाय पी लेंगे। पापा को फीकी चाय छान के देके आऊंगी, फिर मम्मी की चाय में डालूंगी चीनी। लो पापा, आई था तो बड़ी भारी दिक्कत कर रही है क्या? तो ये कही लो मम्मी, अरे
सो गाइस अभी मैं बनाने लगी हूँ खाना, मतलब सुबह घिया की सब्जी बनाई हुई थी उसको गर्म कर रही हूँ और साथ में रोटी बना दूँगी। और अभी ना मुझे फ़ोन आया था आशा वर्कर का, इसके लवराज के इंजेक्शन, 2.5 महीने वाला इंजेक्शन लगने का टाइम आ गया है और इंजेक्शन लगवाना है। उसने बोला है कि कल 9:30 बजे जाना है, बट द प्रॉब्लम इज़ कि पापा और मम्मी दोनों ही स्कूल चले जाते हैं सुबह 8 बजे से पहले, और पापा का तो वैसे भी जो स्कूल है वो हमारे जो गांव में नहीं है, मतलब किसी अलग गांव में जाना पड़ता है उनको। सो ये प्रॉब्लम है कि मैं कैसे लेके जाऊंगी इसको अकेली, मैं तो कभी भी नहीं यहाँ अकेले गई हूँ। आपने पुरानी वीडियोस देखी होंगी तो आपको पता होगा कि मैं तो, मेरी ट्रेनिंग थी, मेरा स्कूल भी थोड़ी दूरी, मतलब बिल्कुल गली से निकलते सेम रोड पे ही था, फिर भी पापा ही छोड़ के आते थे, पापा लेकर आते थे। और अभी ये देखो ये भी साथ में वॉइस ओवर कर रहा है ये भी साथ में वॉइस ओवर कर रहा है। बोल दो बोल दो बोलो गुगू। तो अभी टेंशन ये है कि कल इंजेक्शन भी लगवाना है, और मेन बात ये है अकेली चली भी जाऊँ जैसे तैसे करके, फिर वही घर को लॉक वॉक करना, बेबी को गोद में उठा के चल के जाऊँगी, कैसे करूँगी समझ ही नहीं आ रहा। और फिर वहाँ पे इंजेक्शन लगवाने का भी है ना, इंजेक्शन जिस दिन लगता है फिर उस दिन वैसे भी ये तंग करता है, और घर पे वैसे इतने सारे काम होते हैं, उन सब के बीच में फिर इसको संभालना भी मुश्किल सा हो जाता है, और रोना चालू कर देगा देखना, अभी भी ये रोने वाला है और बहुत मुश्किल होने वाला है मेरे लिए। मुझे सच्ची में नहीं पता कि क्या कैसे करूं, अकेले चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं, हस्बैंड साथ है नहीं, वो भी क्या करें, वो भी मजबूर है अपनी जॉब की वजह से, अदरवाइज़ वो लगवा लाते, वैसे हर काम पापा ही करवा लेते हैं, बट पापा को भी, पापा ने भी स्कूल ज्वाइन किया हुआ है तो उनको भी जाना ज़रूरी था, अदरवाइज़ क्योंकि वो स्कूल और कॉलेज दोनों में पढ़ाते हैं सेम, मतलब साथ ही में है वही, उसी में स्कूल और कॉलेज है। तो कल कैसे लगवाऊंगी इंजेक्शन देखती हूँ क्या होता है क्या नहीं होता। फ़िलहाल रोटी ऑलमोस्ट मेरी बस बन गई है और मम्मी पापा को खाना खिला दूँ मैं, काफ़ी लेट हो जाते हैं खाना खाने में, 3 बजे मम्मी पापा आते हैं, फिर चाय वगैरह पियेंगे, फिर मतलब आते चाय पीते हैं तो मतलब अब समझ लो 3 बजे आते हैं तो चाय पियेंगे, फिर खाना कब खाएंगे, 4 ही बज जाते हैं खाना खाते हुए। तो मैं दोपहर में रोटी नहीं खाती हूँ, मैं फ्रूट खाऊंगी। खाना वाना खा के अभी ना हम लेट रहे हैं, तो बाहर बारिश का मौसम था तो और भी अंधेरा हो रहा है, लाइट ऑफ की है तो अभी थोड़ा सा रेस्ट किया था और चाय बना रही हूँ, चाय पीते हैं और दिखाती हूँ। तो मैं अभी रात को बाहर वॉक करनी मैंने शुरू कर दी है खाना खाने के बाद, बेबी को पापा के पास छोड़ा हुआ और मैं और मम्मी वॉक कर रहे हैं और वो रहा पीछे हमारा घर। और ना वापस आए ना जब वॉक करके तो देखा बेबी और पापा दोनों ही सो गए, दादा बोता सो गए। सारा काम ख़त्म हो गया था, घूम आए थे, अभी सोने वाली हूँ, बट कल के लिए एक प्रॉब्लम है कि कल इसको लगने हैं इंजेक्शन, 2.5 महीने पे लगता है जो, बट मम्मी पापा दोनों को स्कूल जाना है, पापा का स्कूल मतलब और विलेज में है तो मुझे अकेले ही इसको इंजेक्शन लगवाने जाना पड़ेगा, इससे पहले कभी अकेली गई नहीं हूँ तो मुझे ये भी सोच के हो रहा है कि कैसे जाएंगे, और इंजेक्शन लगवाना भी बहुत रोता है फिर ये। तो सुबह देखते हैं अभी कैसे लगवाएंगे इसके इंजेक्शन, लगवाने जाना पड़ेगा मुझे अकेले। तो कल मिलती हूँ नई वीडियो के साथ, ये वीडियो बस यहीं तक, और देखते हैं फिर क्या बनता है।